एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि कल की क्लास में हमने अपने टॉपिक को बीच में ही छोड़ा था, दैट वाज द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस ग्राफिकली। उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन दैट इज वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को तो हमने कल ही डिराइव कर लिया था। आज हम करेंगे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन। उसके लिए जो ग्राफ है वो हमने सेम टू सेम लिया है जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिया था। एक बार फिर से ग्राफ को मैं रिवाइज करा देती हूँ। एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ली है। यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसीलिए ए से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है विच एक्सटेंड्स टू बी, और ए बी हमारी क्या है, एक्सीलरेशन। जो ए ओ या फिर जो बी सी है वो रिप्रेजेंट कर रही है इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज यू को, और बी सी या फिर ओ ई को हम कह सकते हैं दैट रिप्रेजेंट्स आर फाइनल वेलोसिटी। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यही होती है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इसमें डिराइव क्या करना है, डिस्टेंस। अब इस ग्राफ में एक्चुअली में डिस्टेंस कवर्ड मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ओ ए बी सी, मतलब ओ ए बी सी, ये और ये। तो ये जो फिगर बन रही है, इस इतना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, दैट इज ओ ए बी सी। अब ये जो ओ ए बी सी है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी एंड डी, लिख सकती हूँ ना मैं कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी जो ये है ओ ए बी सी, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज ओ ए बी सी प्लस ए डी बी, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। अब मैं निकालती हूँ ओ ए बी सी का एरिया। बेसिकली ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ओ ए बी सी, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इन टू ब्रेथ। तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ है वो तो है ए ओ, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी यू, और जो ब्रेथ है वो है ओ सी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू में ओ सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी दैट इज ओ ए इंटू ओ सी। अब ओ ए क्या है, यू एंड ओ सी इज टी, तो मैं लिख सकती हूँ इसका एरिया कितना आ गया, यू टी, ठीक है। मैंने ये लिख दिया कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज यू टी। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। अब बेसिकली ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो क्या मैं ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें हमारे बेसिकली ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा टी, और हाइट क्या है, अब बेसिकली हाइट है हमारी बी डी, राइट। तो ये हमारा आ गया हाफ इंटू टी इंटू बी डी, ठीक है। अब बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है, बी डी की वैल्यू मैंने आपको फर्स्ट वाले में भी निकाल के दी थी, दैट इज इट इज इक्वल्स टू ए टी। बी डी की वैल्यू क्या होगी, ए टी। इसको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ए टी कैसे आया। बेसिकली हमने लिखा था कि बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी, ठीक है। ये हमने लिखा कि बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी। अब बी सी क्या है, बी, बी डी हमें पता नहीं, और सी डी क्या है, यू, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो वी माइनस यू इज इक्वल्स टू बी डी, ये हमारे पास आ गया था। और जब हमने एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला लगाया था, दैट इज ये वाला, तो एक्सीलरेशन हमारे पास क्या आई थी, बी डी अपॉन बी ई, बी डी अपॉन बी ई, और बी ई क्या था हमारा, टाइम। तो हमारे पास ये आ गया था ए टी इज इक्वल्स टू बी डी। ये मैंने आपको फर्स्ट वाली जो इक्वेशन डिराइव कराई थी उसमें भी बताया था कि बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी है, फिर उससे हमने बी डी की वैल्यू निकाली। और जब हमने एक्सीलरेशन, ये जो हमारी स्लोप है
इसको हमने कंसीडर किया था वो बी डी अपॉन बी ई थी। बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ सी क्या है टाइम, टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो बी डी की वैल्यू आ गई 80। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी इसका ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस क्या है ए डी, ए डी और ओ सी क्या है इक्वल, तो मैं लिख सकती हूँ बी की जगह टी, दैट इज बेस जो है वो हमारा टी हो गया और जो हमारी हाइट है वो बी डी हो गई इस ट्राइंगल की, और बी डी की वैल्यू मैंने निकाली है 80। तो मैं इसको लिख सकती हूँ हाफ ऑफ टी इंटू 80, तो क्या ये आ जाएगी हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। ये आ गया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, और मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी सी निकाला यू टी। तो अब इन दोनों का जो एरिया निकल गया है दैट इज फर्स्ट का यू टी एंड सेकेंड का हाफ 80 स्क्वायर, यहाँ पे दोनों एरिया ऐड हो रहे थे, तो अब मैं इन दोनों की जो वैल्यू निकली है उनको भी ऐड करके इसको क्या लिख सकती हूँ, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस का एरिया लिखा ओ ए बी सी, ओ ए बी सी को दो का दो फिगर्स का सम लिखा और उन दोनों फिगर्स का एरिया निकाल के ऐड कर दिया, जो बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसमें आपको ये सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो पहला कि आपको कौन सी फिगर लेनी है ओ ए बी सी और उन दोनों का सम करना है। ये जो ओ ए डी सी वाली है ये तो आराम से हो जाएगी, ट्राइंगल वाली फिगर में आपको बी डी की वैल्यू कैसे निकली, ये जो पूरा प्रोसेस है बस इसको दिमाग में ध्यान रख के चलना है, तभी आपका ये प्रूफ हो पाएगा ग्राफिकली। तो ये हमने कर ली सेकेंड इक्वेशन को भी डिराइव ग्राफिकली, अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसको डिराइव करने के लिए भी हमारी सेम फिगर है। इस फिगर की एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको बताई थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, सीधा मैं इसके सॉल्यूशन पे आ रही हूँ। बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड का सेकेंड इक्वेशन में मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी जो फिगर है उसका एरिया क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली जो फिगर है ओ ए बी सी ये एक्चुअल में एक ट्रेपीजियम है, राइट, ओ ए बी सी इज अ ट्रेपीजियम, और जो ट्रेपीजियम होता है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन टू। बेसिकली आप इस फिगर को देखोगे ये वाला, राइट, ये जो फिगर है ये एक ट्रेपीजियम है और उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन टू। अब आप इस फिगर में देखो ओ सी और जो ए बी है, अगर हम उनको आगे आगे ऐसे ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों मीट कर जाएंगी, तो मतलब कि ओ ए बी और ओ सी तो पैरेलल लाइंस हैं ही, लेकिन जो ओ ए एंड बी सी है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, मतलब आप इनको जितना भी एक्सटेंड करो ये कभी मीट नहीं करेंगी। तो हमारी पैरेलल लाइंस कौन सी हो गई, ओ ए एंड बी सी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनको डाल देती हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ओ ए प्लस बी सी इनटू में हाइट, अब इसकी हाइट क्या है ये ओ सी दैट इज टी अपॉन में टू। ठीक है, अब ओ ए और बी सी क्या है, ओ ए है यू और बी सी क्या है वी, तो मैं वैल्यू डाल देती हूँ, तो एस इज इक्वल्स टू यू प्लस वी इनटू में टी अपॉन में टू, ये बन गया हमारा u प्लस वी ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन टू, जो हमने इस ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से निकाला। अब देखो सेकंड थर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को आप कंपेयर करो, जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस इक्वेशन में है लेकिन वो फाइनल इक्वेशन में नहीं है। देखो s हमारा यहाँ पे है, s यहाँ पे भी है, u और v हमारे यहाँ पे है, u और v यहाँ पे भी है, लेकिन t एक ऐसा है जो इस इक्वेशन में नहीं है, मतलब कि t को हमें किसी ऐसी चीज़ के थ्रू रिप्लेस करना है कि ये फॉर्मूला आ जाए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस 80, इससे हम t की वैल्यू निकालेंगे,
को इधर ले जाओ तो v माइनस यू इक्वल्स टू 80, ठीक है। अब इस e को भी डिवाइड, a को डिवाइड में ले गए तो t की वैल्यू आ गई v माइनस यू बाई ए, ये आ गई t की वैल्यू, दैट इज v माइनस यू बाई ए। अब ये जो t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आई है इसको हम उठा के यहाँ पे डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, s इक्वल्स टू u प्लस v, t की जगह v माइनस यू अपॉन में 2 इंटू ए, ठीक है। ये बन गया, अब ये नीचे डिनोमिनेटर में था तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, जो 2a है 2a को इधर ले जाती हूँ तो ये बन गया 2as, राइट, ये 2as बन गया। और ये जो यहाँ पे बचा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ v माइनस यू मल्टीप्लाई v प्लस यू, लिख सकती हूँ ना v माइनस यू मल्टीप्लाई v प्लस यू। अब ये फिर से एक दूसरी प्रॉपर्टी आ गई पॉलिनोमियल्स की, मैथ की, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है ना a प्लस बी या माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो v माइनस यू और v प्लस यू है तो मेरा आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये मैंने आइडेंटिटी यूज़ की तो उसकी वजह से आ गया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब मैं क्या करती हूँ, सॉरी एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। अब ये जो माइनस का यू स्क्वायर है मैं इसको इधर ले आती हूँ तो मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें मैंने क्या किया, मैं फिर से एक बार क्विकली रिवाइज करा देती हूँ। डिस्टेंस कवर्ड क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2, पैरेलल साइड्स कौन सी ओ ए प्लस बी सी इनटू टी। अब मैंने टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाली, दैट इज वी माइनस यू बाय ए, उसको मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट किया, डिनोमिनेटर को मैं उधर ले गई मल्टीप्लाई में ले गई, और ये जो इधर बचा वी माइनस यू वी प्लस यू इसमें मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगाई और ये बन गया। फिर माइनस यू स्क्वायर को मैं इधर ले गई, वी स्क्वायर को अकेला छोड़ दिया तो मेरी आइडेंटिटी बन गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमने सीख लिया कि तीनों इक्वेशंस को डिराइव कैसे करना है, न्यूमेरिकली एल्जेब्रिकली हमने पहले सीख लिया था और आज की क्लास में और कल की क्लास में हमने सीख लिया कि ग्राफिकली इनको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ग्राफ का टॉपिक यही ख़त्म होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। अब हम करेंगे लास्ट टॉपिक, दैट इज सर्कुलर मोशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बेसिकली अभी तक तो हमने पढ़ा मोशन क्या होता है जब हम ट्रेवल करते हैं या मूवमेंट शो करते हैं, अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आखिर चीज़ क्या है। आप इसको सर्कुलर वर्ड से ही क्लिक कर सकते हो अपने माइंड में कि सर्कुलर मतलब सर्कल, मतलब कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जब मोशन शो करती है एक सर्कल में, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल देन दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी जब सर्कल में मोशन शो करती है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Now next very important point about uniform circular motion is when an object moves along a circular path, like suppose एक circular path है, एक circular park है, मतलब एक park है जो circle की shape में है, मैं jogging कर रही हूँ वहाँ पर, तो जब मैं jogging कर रही हूँ जैसे मैं यहाँ पर खड़ी थी, जब मैंने यहाँ से start किया तो मैं जब मैंने next suppose ये एक circle है, मैंने यहाँ से start किया तो I am facing east, जब मैं थोड़ा चली मैं ऐसे मोड़ी then I am facing south, फिर मैं ऐसे मुड़ी देन आई एम फेसिंग वेस्ट, और फिर मैं ऐसे मुड़ी देन आई एम फेसिंग नॉर्थ। मतलब कि मैं कहना क्या चाहती हूँ कि सर्कल में जब हम मोशन को शो करते हैं तो हमारी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। लाइक सपोज जब मैं इस पोजीशन पे खड़ी हूँ, मैंने इधर देखा तो मैं कौन सी डायरेक्शन में देख रही हूँ, ईस्ट डायरेक्शन में। जब मैं यहाँ पहुँच गई तो मैं कौन सी डायरेक्शन में देख रही हूँ, साउथ डायरेक्शन में, राइट। अब जब मैं यहाँ पहुँच गई मैं इधर देख रही हूँ तो मैं कौन सी डायरेक्शन में देख रही हूँ, वेस्ट। और फिर मैं यहाँ से यहाँ कौन सी डायरेक्शन में देख रही हूँ, नॉर्थ। ये तो मैंने सिर्फ चार लिए, लाइक नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट भी होती है लेकिन मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए चार लिए हैं। तो इससे मैं बताना क्या चाहती हूँ कि जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट
मोशन शो करती है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है। लाइक अभी मैं नॉर्थ में, अभी नॉर्थ ईस्ट में, अभी नॉर्थ वेस्ट में देख रही हूँ, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट में चल रही हूँ, अभी मैं नॉर्थ वेस्ट में चल रही हूँ। तो सर्कल में जब भी आप मोशन शो करोगे आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहेगी। लाइक सपोज अभी मैं वेस्ट डायरेक्शन में चल रही थी, फिर अचानक ही मैं साउथ डायरेक्शन में चलने लग गई, अभी मैं साउथ वेस्ट की तरफ जाने लग गई। तो इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है वो सर्कुलर मोशन में कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। अब जो डायरेक्शन है वो किससे रिलेट करता है? वेलोसिटी से। मतलब कि अगर मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है तो मेरी जो वेलोसिटी है जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ही होती है, तो मतलब कि मेरी वेलोसिटी भी कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहेगी। वेलोसिटी विल ऑल्सो चेंज कॉन्टीन्यूसली। और अगर हमारी वेलोसिटी चेंज होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं मोशन शो कर रही हूँ सर्कुलर मोशन, तो मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है जिसकी वजह से मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मैं क्या शो कर रही हूँ? एक्सीलरेशन। इसी वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। एक्सीलरेटेड मोशन, राइट। मतलब कि हम जब सर्कुलर पाथ में मोशन शो करते हैं तो हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है जिस वजह से वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब एक्सीलरेशन। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और उसे एक्सीलरेटेड मोशन क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रिपिटल फोर्स। अब बेसिकली सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है? एक्चुअली किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। लाइक सपोज आप एक स्ट्रिंग लो, उसे योयो को बांध दो और जब आप उसे ऐसे ऐसे घुमाओगे तो वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। सर्कुलर मोशन में भी तो वो योयो मूव कर रहा है। अब वो योयो उस सर्कुलर मोशन में किस वजह से मूव कर रहा है? बिकॉज इट इज़ टाइड टू अ स्ट्रिंग। लाइक सपोज ये स्ट्रिंग है और उसको यहाँ पे मैंने एक योयो बांध रखा है, तो जब मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाऊँगी तो जो वो योयो है वो ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा ना। अब वो ऐसे सर्कुलर पाथ में क्यों घूम रहा है? क्योंकि जो वो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है इट एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसा फोर्स प्रोवाइड करती है कि इस योयो को सर्कुलर पाथ में ही मूव करना पड़े। सो दैट फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हमने पढ़ लिया क्या होता क्या है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हमारी बुक में दिए हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। सन ये है, ठीक है, हमारी अर्थ इसके ऐसे से चक्कर काटती है, ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ ही होता है। तो जो वो मूव कर रही है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर यहाँ पे आप अर्थ ले लो, अर्थ के अराउंड जो मून घूम रहा है, मून भी रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इसीलिए मून और अर्थ भी सर्कुलर, मून जो है वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। या फिर आप सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या जो एथलीट्स हैं वो रन कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे, या फिर जो सेटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स जो हमारे अर्थ के आसपास चक्कर काटती हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैंने आपको क्या क्या एग्जाम्पल बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के? अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, अदर सेटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स, या फिर कोई सर्कुलर ट्रैक पे कोई जॉगिंग कर रहा है, या एथलीट्स रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनके अलावा भी आप और एग्जाम्पल्स लिख सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। नाउ द लास्ट टॉपिक इज कि अगर हमें
सर्कुलर मोशन में स्पीड निकालनी है। स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आखिर उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? अब नॉर्मल मेरे को स्पीड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो सर्कुलर मोशन है उसमें डिस्टेंस कैसे निकलेगा? मतलब ये जो एक सर्कुलर ट्रैक है, अगर मुझे पता लगाना है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट करके जब मैं चल के वापस आई तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, या फिर जो मैंने डिस्टेंस कवर किया क्या वो इस सर्कल का पेरीमीटर होगा या सर्कमफ्रेंस होगी। मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। बेसिकली जो हम नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला पढ़ते थे उसमें क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर पाथ के केस में डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? उस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है या जो पेरीमीटर है वो ही हमारा डिस्टेंस होगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ये तो आपने पढ़ा ही हुआ होगा कि 2πr होता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। तो स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr/T। मतलब कि नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हम स्पीड डिस्टेंस की जगह 2πr लिख देंगे अपॉन टी। तो इसी के बेसिस पे अब मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। दैट इज अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड द सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। इन एवरी 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के हमें दे दिया यहाँ पे टाइम, ठीक है। इफ रेडियस इज 105 मीटर, मतलब हमें दे दिया कि रेडियस उस सर्कुलर ट्रैक का है 105 मीटर, देन कैलकुलेट द स्पीड। मतलब हमें क्या निकालनी है? स्पीड। तो देखो हमें यहाँ पे रेडियस मीटर में दिया हुआ है, लेकिन जो टाइम है वो मिनट्स में है। तो पहले मैं इस टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, देन 2 मिनट्स इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/T इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। और पाई की वैल्यू हम हमेशा क्या लेते हैं? 22/7। तो आप इसमें वैल्यू डाल दो, 2 × 22/7 × r, दैट इज 105/120। देखो 2 वाला, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 105 और टाइम कितना है 120 सेकेंड्स, जो मैंने नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया अलॉन्ग विथ 7, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी? अप्रॉक्सीमेटली 5.5 मीटर/सेकेंड। मतलब इस साइक्लिस्ट ने जो ये सर्कुलर ट्रैक को कवर कर रहा है कितनी स्पीड से? 5.5 मीटर/सेकेंड। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपको स्पीड में डिस्टेंस की जगह सर्कमफ्रेंस लेनी है उस सर्कुलर पाथ की, दैट इज 2πr। और आप फिर वैल्यू डाल के इजीली आंसर निकाल लोगे। तो इसी के साथ हम अपना सेकेंड चैप्टर जो कि था फिजिक्स का मोशन, उसे ख़त्म करते हैं। कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। डू लाइक आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।